दोस्तों मेरे चैनल सीएनसी बेसिक को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बने हुए बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको सही समय पर मिल सके वीडियोस। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में एक प्रोग्राम बनाया था G01 कोड के साथ, ठीक है ना, तो आज हम एक प्रोग्राम और बनाएंगे जिसमें हम G01 कोड का यूज करेंगे। G01 होगा, G00 होगा, ठीक है ना। तो उसका जो एक मैंने इमेज जो है यहाँ पे, इमेज मैंने बना लिया यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी ड्राइंग सामने है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी बनाई है, इसकी कोशिश करिए बनाने की आपको समझाने के लिए कि ये पीस जो है ये सिलेंड्रिकल पीस है, ठीक है ना। एक गोल पीस है, राउंड पीस है एक, ठीक है। तो इसके साइज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसका डायमीटर जो है 90 mm है, ये लेंथ इसकी 70 mm है, ये लेंथ जो है, ये दूरी जो है इसकी 50 mm है, ये जो स्मॉल डायमीटर है, छोटा डायमीटर है, दैट इज 10 mm, 10 mm का डायमीटर है ये वाला, ठीक है। और ये जो है ये डिग्री दे रखी है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे हमें टेपर भी कट करना है इसे, ठीक है ना। और इस वाले का जो डायमीटर है, दूसरा डायमीटर जो है ये 20 mm दिखा रखा है यहाँ पे। तो इसी इमेज को जो है मैंने यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ भी बनाया है मैंने 90 mm, 70 mm, 20, 10, 50, जो यहाँ बनाया है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है ना। तो अब जो है हम आज इसमें G01 कोड से इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर एक चेंज होगा कि इसमें हम इंक्रीमेंटल वैल्यू यूज करेंगे, इंक्रीमेंटल। अभी जो इसमें लास्ट जो बनाया था प्रोग्राम वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग थी, अब इसमें आज हम इंक्रीमेंटल वैल्यू डाल के इंक्रीमेंटल टाइप से प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो चालू करने से पहले मैं आपको एक बार इंक्रीमेंटल वैल्यू बता दूं और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है वो आपको पता है, एक बार वो भी दोनों को मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कैसा होता है, ठीक है ना। देखिए, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में हम एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। इंक्रीमेंटल में हम लिखते हैं यू, ठीक है। और जो जेड है, जेड को हम इंक्रीमेंटल में लिखते हैं डब्लू, ठीक है ना। ये चीज समझ जाइए, एक्स को हम यू लिखेंगे और जो जेड है, जेड को हम लिखेंगे डब्लू, ठीक है। अब इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट में हम यूज क्या है इसका, जैसे अब मैं एक यहाँ पे जो है ड्राइंग बना लेता हूँ पहले। इस ड्राइंग पे प्रोग्राम बाद में बनाएंगे, पहले इंक्रीमेंटल एब्सोल्यूट को समझाने के लिए एक ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, जिसमें मैं आपको समझा दूँ कि इंक्रीमेंटल वैल्यू कैसे लिखेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लिखेंगे। जैसे एक ड्राइंग है हमारी, ठीक है ना, ये 20 डाया है और ये है हमारा 40, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशनिंग देने के लिए हम इसे यहां पे लिख सकते हैं G00X 20.00, ठीक है ना, और Z 0.00। मैंने बताया था ये फेस जो है वो Z0 फेस होगा और जो x की वैल्यू डायमीटर x है तो X 20 है, ठीक है ना। अब मैं इसकी लेंथ भी डाल देता हूँ। इसकी लेंथ मान लीजिए, ये लेंथ हम इसकी मान लेते हैं, ये है हमारा 10 mm, ठीक है। और ये लेंथ जो है हमारा, ये है हमारा 50 mm, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने G0X20Z0.00 लिखा है। अब हमें क्या है, इसको मान लीजिए इसको अब Z में अंदर चलना है, तो ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ G01Z माइनस कितना है 10, 0.24, ठीक है ना। तो ये जो
अभी जेड से लिखा है, जेड जो हमने डिनोट किया है, जेड का मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट है। अगर इसे मुझे इंक्रीमेंटल में लिखना होगा तो यहां पे इंक्रीमेंटल में मैं लिख सकता हूं जी 01 डब्ल्यू माइनस ठीक है ना, जो ये वाली जो वैल्यू ये जो हमने लिखा है ये हमारा इंक्रीमेंटल वाला है। ये इंक्रीमेंटल है, इसमें हमने W यूज किया हुआ है ठीक है ना, और ये जो है हमारा ये हमारी एब्सोल्यूट है। ये चीज आपको यहां तक तो समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे चलते हैं और मैं इसको मुझे यहां पे मिटाना पड़ेगा ठीक है ना, इसे मैं मिटा देता हूं पहले। तो लास्ट की लाइन लिखी थी, लास्ट की लाइन लिख देता हूं मैं, जो लास्ट में लिखा हुआ था वो हमने लिखा था जी 01, इंक्रीमेंटल में लिखा था हमने डब्ल्यू माइनस 10.00 फिर 0.24 ठीक है ना। अब 10 mm हमारा ये अंदर चल चुका है इस तरीके से, ये अंदर चल चुका है 10 mm ठीक है ना। अब टूल हमारा यहाँ खड़ा हो गया, अब हमें टूल को जो है यहाँ लेके आना है ठीक है ना, 40 mm डाया पे लाना है, इसको फेस करना है ना पहले ऐसे, तो उसको 40 पे आना है। 40 पे आना होगा तो मैंने आपको बोला था कि डिफॉल्ट ले लेगा अगर लिखेंगे नहीं यहाँ पे G01 ठीक है ना, अगर नहीं लिखेंगे तो भी डिफॉल्ट वो G01 जो कोड हम सबसे पहले लास्ट में हमने यूज किया होगा उस कोड को वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ले लेगा ठीक है ना। बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज को G01 ठीक है, पहले मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लिखता हूं, अब G01 इसके बाद लिखूंगा एब्सोल्यूट में एक्स 40.00 फीड 0.2 लिख देते हैं ठीक है। ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई, लेकिन अब हमें अगर इंक्रीमेंटल वैल्यू लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, G01 U ठीक है ना। अब ये ऊपर उठ रहा है, सेंटर से ऊपर को जाएगा तो मैंने प्लस बोला था, तो वैल्यू हमारी किस में डलेगी, प्लस में डलेगी। अब ये 40 है तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, U 10 ये वैल्यू हमारी इंक्रीमेंटल है और ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये यू 10 क्यों लिखा है, यहाँ तो 40 लिखा हुआ है। हम जहां से भी इंक्रीमेंटल में क्या होगा, जितना भी मूवमेंट होगा उसको हम एमएम में लिखेंगे ठीक है ना। एब्सोल्यूट में क्या होता है हम डायमीटर लिखते हैं, डायमीटर जितना भी होगा इसका जो भी डायमीटर 20 mm 40 50 60। बट आप ये चीज देखेंगे हमने यू 10 लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये डाया हमारा 20 mm है और 20 से कितना मूव हो रहा है, ये 40 mm हो रहा है ठीक है ना। 40 mm होने का मतलब क्या है कि टूल जब हमारा 10 mm ऊपर को उठेगा तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 20 mm हो जाएगा हमारा। टूल की मूवमेंट, टूल जो मूव करेगा वो 10 mm करेगा, बट चेंज चेंज कितना आएगा, डायमीटर में 20 का चेंज आ जाएगा ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में एग्जांपल में भी समझाया था, बता दिया था मैंने आपको कि इस कंपोनेंट का फेस कर दिया जाए सामने, जैसे ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का फेस है ये ठीक है ना। अब
इस कंपोनेंट का मैं फेस बना देता हूं, ये कंपोनेंट का फेस है, ठीक है। इस कंपोनेंट को उठा के मैंने ऐसे सीधा कर दिया, तो इसका फेस है सामने। अब ये फेस आ गया, ठीक है ना। अगर ये फेस आ गया, ये 20 mm है फेस इसका, ये डाया 20 है ना। अब अगर इसका हाफ लेंगे तो कितना होगा ये हमारा, अगर हाफ लेंगे तो हाफ की जो दूरी होगी वो हमारी कितनी होगी, 10 mm, ठीक है ना। तो ये 10 mm की डिस्टेंस जो है, ये 10 mm जो कवर करेगा, कितना उठ रहा है यहां से, ये 10 mm उठ रहा है, बट डायमीटर डबल हो जा रहा है हमारा। जो मूवमेंट है वो 10 mm की है, बट ये जो है डायमीटर जो है 20 है। तो यहां पे क्या होगा, जब यू 10 mm उठेगा, 20 से 10 mm उठेगा, तो दोनों साइड इफेक्ट आएगा इसका, 10 mm ये और 10 mm ये, तो क्या हो गया 20 का वो 40 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये इसका फेस है, वैसे मैंने दिखाया बिल्कुल सीधा सामने कर दिया, बिल्कुल ये फेस है इसका सामने, ठीक है ना। और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब अगर टूल टूल अगर 1 mm नीचे मूव करेगा, 1 mm मूव करेगा, तो क्या होगा, डायमीटर तो डबल हो जाएगा कट उस पर। अगर टूल यहां आ गया और चक्का हमारा घूम रहा है, पीस हमारा घूम रहा है, कंपोनेंट हमारा रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, निशान पूरे पे आ जाएगा, अगर कटर हमारा ऐसे लगा हुआ है, टूल हमारा और चक्का घूम रहा है, उसने मूव कितना किया है, मूव तो उसने 1 mm किया है, लेकिन आप जब डायमीटर चेक करोगे तो डायमीटर क्या है, डबल हो जाएगा, डबल कट हो जाएगा उस पर, क्योंकि गोल घूम रहा है वो, मूवमेंट 1 mm है, बट डायमीटर पे वैल्यू देखोगे तो वो डबल वैल्यू है, ठीक है ना। अगर हम 1 mm डाउन जा रहा है तो इसका मतलब डायमीटर 2 mm हो रहा है हमारा। इसी हिसाब से अगर हमारा यहाँ 20 mm, हमारा 20 पे खड़ा था और यहां से हमने टूल को उठाया, टूल को कितना उठाया, 10 mm उठाया प्लस में हमने, जब 10 mm उठाया है तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो नीचे का भी 10 mm ऐड हो गया उसमें, तो 10 10 कितना हो गया 20, ठीक है ना। और 20 ये था, तो डेट मीन्स क्या है, इस वैल्यू पे हमारा टूल 40 डाया पे खड़ा हो गया। एक्स 40 जो लिखा हुआ है वो U10 से भी जो है, वो U10 से भी यही 40 पे पहुंच जाएगा टूल हमारा, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट में हम एक्स 40.00 लिखते हैं, और इंक्रीमेंटल में क्या है, U10 लिखा है यहां पे हमने, ठीक है ना, U10 लिखा है, तो वो 40 पे पहुंच गया। क्यों, क्योंकि आप ये देख रहे हैं W-10 जो था, इससे पहले हमारी पोजिशनिंग क्या थी, हमारी पोजिशनिंग थी इससे पहले की लाइन में यहां लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, G00 एक्स 20.00 जेड 0.00, यही तो लाइन है हमारा, एक्स 20 जेड 0.00। उसके बाद क्या हुआ था, यहां पे टूल खड़ा था एक्स 20 जेड 0.00 पे, उसके बाद 10 mm वो अंदर चला है, तो 10 mm क्या है, ये अंदर गया, तो इससे मैं डाया कहां है, डाया ये 20 पे खड़ा था ये, ठीक है ना, 20 डाई पे खड़ा था। अब 20 पे खड़ा था तो हमने यहां पे एब्सोल्यूट में क्या लिखा, एब्सोल्यूट में लिख दिया एक्स 40 mm, तो ये एक्स में 40 mm ऊपर चले गया, ठीक है। और जब हमने इसी को इंक्रीमेंटल में लिखा है तो क्या लिखा है, 10 mm, तो 20 पे जब हमारा पहले से खड़ा था टूल, और 10 mm हमने यू में 10 mm उठाया, यू में हमने एक साइड से 10 mm उठाया, तो डायमीटर पे क्या, डबल इफेक्ट आ गया, डायमीटर क्या हो गया, 20 से 40 हो गया, ठीक है दोस्तों। यहां हो सकता है काफी कंफ्यूजन हो, अभी भी समझ में नहीं आया होगा आपको, तो आपको अगले वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज जो है प्रैक्टिकल करके जब हम मशीन पे दिखाएंगे आपको, तो वहां पे ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन हो आपको। तो चलिए अब जो है ना हम प्रोग्राम बनाते हैं, इस कंपोनेंट का प्रोग्राम बनाते हैं।